द बर्निंग 1098 पर रिलीज हुआ एक्शन थ्रिलर मूवी। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार है वो है धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, पारवीन बॉबी, हेमा मालिनी और डैनी डेंचोपा। फिल्म की जो कहानी है ऐसी शुरू होती है, हम देखते हैं कि अशोक जो है धर्मेंद्र, विनोद जो है विनोद खन्ना और रणदीप जो है डैनी डेंचोपा, तीनों दोस्त, तीनों बचपन के दोस्त हैं और हम देखते हैं तीनों बड़े हो जाती है और अशोक जो है धर्मेंद्र वो उनसे बीता एक व्यवसायी है, वो विंदा चलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विनोद और रणदीप रेलवे में इंजीनियर है। यहाँ पर हम राकेश को भी देखते हैं जो है विनोद मेहरा को, वो भी इंजीनियर। और तीनों की एक सपना है कि वो तीनों एक फास्ट ट्रेन चालू करे जो दिल्ली से मुंबई जाने वाली होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विनोद प्यार करती है शीतल से जो है परवीन बॉबी, और यहाँ पर रणदीप भी शीतल को पसंद करती है। और हम देखते हैं कि अशोक पसंद करती है सीमा को जो है हेमा मालिनी को। और ऐसे ही हम देखते हैं कि विनोद शीतल से शादी कर लेती है और हम देखते हैं कि रणदीप बहुत रुष्ट होती है और अशोक सीमा को एंगेजमेंट करती है और सीमा एक मन्नत मांगने की तीते यात्रा में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणदीप, विनोद और राकेश तीनों ही फास्ट ट्रेन चालू करने के लिए डिज़ाइन देती है रेलवे डिपार्टमेंट को, और रेलवे डिपार्टमेंट विनोद की जो डिज़ाइन है उनको अप्रूव करती है, विनोद की सपना पूर्ण होती है और राकेश उसके साथ देती है। और हम देखते हैं पर रणदीप रुष्ट होती है और चली जाती है। और हम देखते हैं कि ऐसे अशोक की पिता जो एक व्यवसायी है वो उनको बैंकक्रप्ट हो जाती है और वो अब खुद को गोली कर देती है, सुसाइड कर लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक के पास से उसकी सारी संपत्ति चली जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर अशोक को एक सीमा के पास चिट्ठी आती है और यहाँ पर लिखा होती है कि सीमा भी उसे इस वजह से उसके पास कुछ नहीं, इस वजह से उसे छोड़ रही है। और हम देखते हैं कि अशोक टूट जाती है। यहाँ पर हम विनोद को देखते हैं कि विनोद अपने काम को लेकर बहुत व्यस्त हो जाती है, उसके साथ शीतल की दूरियाँ बढ़ती रहती है, छः साल बीत जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर विनोद की बेटे मास्टर बिट्टू को और शीतल को, शीतल अपनी एनिवर्सरी के लिए आया है और वो विनोद के लिए जाना चाहती है, बट विनोद यहाँ पर उसे टाइम नहीं दे पाती और दोनों में बहस हो जाती है। और हम देखते हैं इस महेंद्र का हम चली आती है जब विनोद की फास्ट ट्रेन चालू होती है। और यहाँ पर हम हर एक किस्म की यात्रियों को देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक को जो विनोद की ट्रेन चालू होने के लिए आया है वो बॉम्बे जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राकेश को जो अपनी पत्नी को, पत्नी जिसको उसकी पत्नी संतान होने वाली हो, अपनी माँ के साथ बॉम्बे जा रही होती है और राकेश से विदाई देने आए हैं। और हम देखते हैं कि शीतल मास्टर बिट्टू को ले आती है और वो मिस्टर बिट्टू को बॉम्बे भेज रही है उसकी पिता माता के साथ। और यहाँ पर विनोद के साथ हम देखते हैं कि शीतल की एक बहस भी हो जाती है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही ट्रेन चालू होती है, चलती रहती है। और ट्रेन में हम देखते हैं कि रवि को जो है जितेंद्र वो चोरी करती रहती है, वो पीछा ले लेती है नीतू की जो भी इस ट्रेन में है। और नीतू जो अपने घर से भाग आई है क्योंकि उसके पिता ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती है और नीतू के पास बहुत गहने और पैसा है और इस वजह से रवि उसकी पीछा लगा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विनोद के साथ शीतल की बहस हो जाती है मास्टर बिट्टू को लेकर और शीतल घर छोड़कर चली जाती है। और हम देखते हैं कि रवि नीतू के साथ बातचीत करती है और दोस्ती बनाना चाहती है। यह पर हम अशोक को देखते हैं, अशोक ट्रेन में सीमा को देखते, सीमा भी इस ट्रेन में बॉम्बे जा रही होती है और अशोक सीमा को देखकर बहुत दुखी होती है। और यहाँ पर हम अशोक के साथ, अशोक को देख जाती है मास्टर बिट्टू के साथ और दोनों की बातचीत होती है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही चल रही होती है और ट्रेन जब आगरा स्टेशन में आती है तब अशोक ट्रेन से नाम जाती है और क्योंकि वो सीमा की वजह से बॉम्बे नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रणदीप को जो अपने अपाकार में चलाने आया है वो ट्रेन की जो वैक्यूम ब्रेक है वो तोड़ देती है और ट्रेन की इंजन रूम में एक बॉम लगा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक के साथ रणदीप की देखा हो जाती है और रणदीप उसे कहती है कि वो विनोद से प्रतिशोध लेना चाहती है और उसके जो आयोजन है वो अशोक को कह देती है। और अशोक ये सुनकर वो दौड़कर ट्रेन में जाती है, ट्रेन में वो चढ़ तो जाती है, बात बहुत देर हो जाती है। यहाँ पर
इंजन रूम में ब्लास्ट हो जाती है और चाल और ड्राइवर एक जगह पर जाती है, उसकी डेड हो जाती है। और हम देखते हैं कि और ट्रेन भी कहीं पर नहीं रुकती क्योंकि उसकी वैक्यूम ब्रेक हो चुका है। और ये सब कुछ बातें ट्रेन की जो टिकट मास्टर है वो जाकर सभी यात्रियों से ये कहती है। और हम देखते हैं कि सभी बहुत डर जाती है, चिंतित होती है। ये सभी बात जब विनोद के पास जाती है, विनोद रेलवे डिपार्टमेंट से बातें करती है और वो कहती है कि अगर कोई दो एक जन जाकर रेल इंजन रूम में जाती है और इंजन को बंद कर देती है तब ये ट्रेन रुक जाएगी। और ये बातें वो रेडियो से एक मैसेज पठाती है। और हम देखते हैं कि मास्टर बिट्टू के पास एक रेडियो होती है और ट्रेन की जो पैसेंजर है वो ये मैसेज सुन लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि और अशोक और उस्मान जो है टिकट मास्टर वो तीनों मिलकर ट्रेन की छत पे चढ़ के इंजन रूम में जाना चाहती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि राकेश की पत्नी को लेबर पेन उठती है और डॉक्टर जब गर्म पानी लेने के लिए रेल की कर्मचारी को कहती है, जब किचन में जाती है तब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि इस गाड़ी में रेलगाड़ी में आग लग जाती है और सभी बहुत चिल्लाना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट में उस्मान अली और उस पैसेंजर भी मर जाती है। और हम देखते हैं रवि और अशोक इंजन रूम में जा नहीं पाते। या पर हम देखते हैं कि राकेश को जिसको इस ट्रेन को रिसीव करने के लिए बॉम्बे भेजा गया है और राकेश बॉम्बे रेल डिपार्टमेंट के साथ बातें करती है और वो एक अलग सी रेल लाइन बनाना चाहती है। जब इस फास्टेस्ट ट्रेन बॉम्बे आएगी, जब वो इस अलग सी रेल लाइन में ढूक जाएगी तब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसी कुछ बातें करती है और वो बनाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक को वो जान जाती है कि सीमा उसकी जो पैर है वो काट गई है। जब वो तीर्थ यात्रा में गया था उसमें एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से वो अशोक के साथ अपने जो सांपक उसको तोड़ दिया था। और अशोक ये जान पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि भी नीतू के साथ दोस्ती कर लेती है। और हम देखते हैं कि विनोद को उसके बाद विनोद टूट जाती है, उसको 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 सांत्वना देने आती है शीतल, ऐसे ही चलती रहती है। और हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि विनोद रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और एक आयोजन करती है। वो कहती है कि वो एक हेलीकॉप्टर से ऐसे ही इस गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही है ऐसे ही एक ट्रेन को इस रफ्तार से ले जाएगी और वो हेलीकॉप्टर से उस ट्रेन में चढ़ जाएगी और उससे वो जो ट्रेन में आग लगे उस ट्रेन में चली जाएगी। और हम देखते हैं ऐसे वो काम करती है और हम देखते हैं कि वो इस हेलीकॉप्टर से फास्टेस्ट ट्रेन में नामती है। और यहाँ पर उसको रणधीर उसे रोकना चाहती है बट उसके साथ रणधीर की फाइट होती है और रणधीर को ख़त्म कर देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर रवि और अशोक को जो रस्सी ले आती है और विनोद को इस ट्रेन में ले आती है। और विनोद इस ट्रेन पे आके मास्टर बिट्टू के साथ उसकी मेल होती है और वो फायर सूट ले आती है, डायनामाइट भी ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक रवि और विनोद तीनों फायर सूट पहन लेती है और जाने से पहले रवि नीतू से अपनी सच्चाई कहती है और नीतू उसे कहती है कि उसे माफ़ कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विनोद तीनों मिलकर फायर सूट पहनकर इस इंजन रूम में जाती है और यहाँ जाने के बाद तीनों ये देखती है कि इंजन रूम में कुछ काम नहीं कर रहे। और यहाँ पर रवि और अशोक विनोद को ये सलाह देती है कि उसे डायनामाइट से इस इंजन रूम को ब्लास्ट करना देना चाहिए और कंपार्टमेंट से अलग करना चाहिए। और जब ये अलग हो जाएगी तब इस गाड़ी जब राकेश की बनाई हुई इस रेल लाइन में जाएगी तब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो थम जाएगी। और हम देखते हैं ऐसे ही काम करती है और विनोद या को राकेश को एक मैसेज करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राकेश इस मैसेज ऐसे ही काम करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन उनकी हुई जाना अनुसार ही काम होती है और ट्रेन थम जाती है। और हम देखते हैं कि सभी लोग बच जाती है और राकेश की जो पत्नी को एक बच्चा भी होती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा मिस्टर बिट्टू के साथ लेकर नामती है उसके साथ शीतल की देखा होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रावी अशोक और विनोद सभी बच जाते हैं और विनोद के साथ शीतल की और अशोक के साथ सीमा और रावी के साथ नीतू की मिलन होती है। ऐसे शाम दो दिन की कहानी।